नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम जानेंगे तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। उसके पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द का अर्थ होता है। शब्द के माध्यम से भाषा समृद्ध और विकसित होती है। तो ये शब्द कैसे बनते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है बच्चों, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण हम बाद में सीखने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इनमें से आज हम पढ़ने वाले तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये भी जानेंगे कि देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं और जनता की बोलचाल की भाषा से विकसित हुए हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, जूता, झुग्गी, ये सभी देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्द वे होते जो विदेशी भाषाओं के शब्द हम एज इट इज हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें कहा जाता है विदेशी शब्द। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्कूल, डॉक्टर, चाय, कॉफ़ी, स्कूल, ये बहुत सारे शब्द हम हिंदी में, जैसे अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है वैसे हम इसको हिंदी में लिखते भी हैं अ की मात्रा लगाकर और प्रयोग भी करते हैं। तो ये होते विदेशी शब्द। तो हमारी भाषा इसलिए समृद्ध कहलाती है क्योंकि कई भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी में शामिल है और उनका हम अपनी भाषा में शामिल करके उनका प्रयोग करते हैं। तो आज हम सीख रहे तत्सम शब्द। जैसे कि मैंने यहाँ पर परिभाषा दी है, आप देखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत, जैसे कि हम जानते हैं हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है और हमारी भारतीय भाषाएं सभी संस्कृत से कहीं ना कहीं बनी है और उनका प्रभाव हर भाषा के भाषा पर आपको दिखाई देता है। तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में, जैसे संस्कृत में बोले जाते वैसे ही हिंदी में प्रयोग करते, उन शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए, देखिए, हस्त, गज, अग्नि, गुरु, गृह, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं जो हम हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग करते जैसे कि इन्हें संस्कृत में किया जाता है। तो दूसरा प्रकार है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ संबंध इसलिए है क्योंकि तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो हम हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसका प्रयोग करते हैं। तो तद्भव शब्द, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर बनते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग एरर हुआ है, देखिए यहाँ परिभाषा में शब्दों हुआ है तो शब्दों होना चाहिए था, वहाँ पर शब्दों का रूप बदलकर बनते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव शब्द। तो यहाँ जैसे हस्त शब्द है उसका अर्थ होता है हाथ, देखिए यहाँ पर ऊपर उदाहरण दिए, तत्सम में हमने लिखा है हस्त, यहाँ हाथ लिखा है। अग्नि शब्द जो कि संस्कृत तत्सम शब्द है उसका हम परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं आग। गृह का परिवर्तन करके हम करते हैं गृह, घर। या रात्रि जो तत्सम शब्द है उसका रूप बदल कर हम रात प्रयोग करते हैं। दुग्ध शब्द जो कि तत्सम शब्द है उसको हम रूप बदल कर दूध शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तद्भव शब्द वे शब्द है जिनका रूप बदल कर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द में क्या अंतर है। तत्सम शब्द वे शब्द हैं
जो संस्कृत के समान ही हिंदी में बोले जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। और तद्भव शब्द वे शब्द है जो संस्कृत से बने हैं और उनका थोड़ा सा रूप बदलकर हम थोड़ा आसान बनाकर हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो मैं अगला आपको मैं एक वर्कशीट दे रही हूँ जिसमें मैंने कुछ तत्सम शब्द दिए आपको और उन तत्सम शब्दों को आपको परिवर्तन करके तद्भव में बदलना है, यानी तद्भव में लिखना है। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि मयूर शब्द देखिए, पहला मयूर का तद्भव शब्द क्या होता है, मयूर का तद्भव है मोर। या ग्राम, ग्राम का तद्भव क्या है, गांव। तो इसी प्रकार आपको इस वर्कशीट को पूरा करना है अपनी बुक में लिखकर। आप अपने क्लास वर्क है उसके पीछे लिख सकते हो या फिर आप अपने रब बुक में इस वर्कशीट को पूरा कर सकते हो। तो आप इस वर्कशीट को पूरा करेंगे, तत्सम शब्दों का रूप बदलकर आप तद्भव में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।